टू थ्री आज देखो हम स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है? हार्ट को पूरा लेके पूरा खत्म करेंगे आज। देखो ऑफलाइन क्लास है ग्रुप, ऑनलाइन में बहुत वीडियो मैं शूट करके डालूँ, ऑफलाइन का एक वीडियो शूट करूंगा और उसको डालूंगा, ठीक है? नॉर्मली अगर हार्ट की बात करें, नॉर्मली हार्ट की, तो ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है? मनुष्य का हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है? ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है? लेकिन एक लड़का जैसे ये बोला कि सर चेंबर क्या होता है, चेंबर पढ़ नहीं पड़ा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो चेंबर की अगर बात करें तो ये नॉर्मली पहले हार्ट हो गया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, बीच से काटेंगे, तो इसके बाद जो चेंबर निकलेंगे उसी को ही चेंबर कहते हैं, जो पार्ट निकलेंगे, ठीक है? Yes. इधर हमने, इधर देखिए सर, हमने बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये और ये बीच से डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 4 अपन के पास कितने पार्ट निकला है हार्ट में? चार। फोर पार्ट जो हमने निकाला है वो फोर चेंबर कहलाते हैं, यानी कि एक चेंबर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है? चार चेंबर अपने पास है। और देखिए एक नई चीज बता दें, जो मैंने अभी बताया कि लव और डेप, वो लव और डेप जो बताएंगे, थोड़ा बताएंगे बताएंगे, पहले इसके पहले होल के बारे में थोड़ा जानकारी देते। होल का मतलब ये होता है कि कई लोग कहते हैं यार कि दिल में छेद हो गया तो तुम टपक जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, ठीक है? बचोगे नहीं, ट्रीटमेंट करवाओ। गुरु उल्टा कहते हैं ऐसा होता नहीं है, ऑलरेडी होल उसमें दिल में रहता है, बाय बर्थ होता है, मतलब जन्म के पहले से, जब बच्चा पेट में रहता है तभी उस बच्चे के दिल में एक होल रहता है, जो बंद हो गया तो मर सकता है, अगर ओपन रहा तो नहीं मरेगा, नहीं खत्म होगा, ठीक है? तो समझ में आ रहा है आपको? आज के बाद जो भी कहे कि भाई तेरे दिल का छेद बंद हो गया तो टपक जाएगा, तो उसको दो रापड़ लगाना, बोझना उल्टा बोल हो जाए, बोझना भी था पहले से, अभी भी है, हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा तब मरेंगे, ओके? देखिए इनसे दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ शब्द है जो इस दुनिया में बहुत वायरल है, पब्लिश किए गए हैं, अब पता नहीं किसने पब्लिश किया है, किस बेवकूफ ने किया है, किसी ने LOVE, ये LOVE इसको कहते हैं लव, ठीक है? तो ये जो लव शब्द हो गए हैं, लव, ये पता नहीं किस महान आदमी ने निकाल के दिल से फिट किया, इसका दिल से ना तो कोई रिश्ता है, ना तो कोई कनेक्शन है, ना तो कुछ है, ठीक है? अगर तुमको लव करना ही है तो लव का मतलब होता है LAV, लव, LAV, लव, ठीक है? सेकेंड जो वर्ड होता है DAV, डव। दो वर्ड ऐसे हैं जो हार्ट के लिए हमेशा यूज किए जाते हैं, यानी कि हार्ट हमेशा यही ध्वनि निकालता है, जब हार्ट पंपिंग करता है ना, धक धक करता है, तो वो ये ध्वनि निकालता है, लव डब, ना कि ये लव ये वाला, ठीक है? तो इसका कोई रोल है नहीं, लोग कहते हैं दिल में जगह नहीं है, दिल में तुमको बसा लेंगे, दिल से तुमको निकाल के फेंक देंगे, तो ना दिल में जगह है तुम बसा सको, और ना दिल से निकाल के फेंक ही सकते हो, अगर निकाल कर फेंकोगे तो क्या निकाल सकते हो? पिंजे फाइबर है, NASNO है, ट्राई का स्पीड वाला, भाई का स्पीड वाला, तो इनको निकाल के फेंको तो दिक्कत ना आ जाओ, ठीक है? तो ये सब मत फेंक देना। तो और इसके अगर आगे चलते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो हार्ट होता है, ये जो मैंने शब्द दिया इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पहले पढ़ाना है वाल्व, जब पढ़ाऊंगा तब जाके डिस्कस करूंगा, तब जाके जल्दी समझ आएगा। तो देखिए लेफ्ट आर्टिकल राइट आर्टिकल, लेफ्ट ब्रेंटिकल राइट राइट ब्रेंटिकल, ये जो चेंबर है इन चेंबरों का ये नाम है। लेफ्ट आर्टिकल LA, तो LA जो है तो लेफ्ट ब्रेंट आर्टिकल हो गया, RA की बात करते हैं तो राइट आर्टिकल हो गया, यानी कि ये जो हार्ट होता, हार्ट तो हार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, ये ऊपर के दोनों चेंबर आर्टिकल कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों चेंबर ब्रेंटिकल कहलाते हैं। कंफ्यूजिंग है, बताओ सुमित ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? लगा के तुम आए, बताओ फिर भाइयों। देखिए चार चेंबर होते हैं हार्ट में, ठीक है? तो चार चेंबर में से जो अपर चेंबर है, अपर का मतलब ऊपरी वाला चेंबर, इंफीरियर चेंबर, ठीक है? ये पोस्टीरियर चेंबर है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, पोस्टीरियर शब्द हम यूज नहीं कर सकते इसमें क्योंकि हार्ट है,
लेकिन लॉयर चैम्बर तो हम यूज कर सकते हैं। लॉयर लॉयर चैम्बर एक ऐसा शब्द है जो नीचे के लिए डिनोट करता है। तो लॉयर चैम्बर में दो चैम्बर है, अपर अपर पार्ट में दो चैम्बर है। तो अपर पार्ट में जो दो चैम्बर है तो इनको लेफ्ट आर्टिकल राइट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टिकल राइट आर्टिकल को जो जोड़ती है तो इसमें एक वाल पाई जाती है, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे भी दो चैम्बर है। जो नीचे दो चैम्बर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को जो जोड़ने वाली वाल है उसको भी, उसका एक स्पेशल नाम होता है, वो भी बताएंगे भी। और इधर देखिए, आर्टिकल दोनों ऊपर वाले होकर नीचे वाले वेंट्रिकल, तो आर्टिकल दोनों को और वेंट्रिकल दोनों को जोड़ने वाले, आर्टिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने वाले ये वाल हो गई। यानी अपन के पास बहुत सारे वाले हो गए, इन वालों का नाम क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर हम दो चैम्बर की बात करते हैं, आर्टिकल और वेंट्रिकल के एक एक चैम्बर लेते हैं, आर्टिकल के चैम्बर लेते हैं, वेंट्रिकल चैम्बर लेते हैं, तो आर्टिकल का और वेंट्रिकल के दोनों जब चैम्बर लेते हैं तो उसके जो बीच की वाल होती है उसमें दो दरवाजे होते हैं, इंद्रिय कहते हैं, जिनको कहते हैं बाई, दो को बाई कहते हैं, सुना होगा, हिंदी में लिख दे इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख दे, बाईकास्टिड वाल। ये जो मैंने शब्द लिखा है बाईकास्टिड वाल, ये हिंदी इसकी यही है, इंग्लिश भी इसकी यही है, बस इसको थोड़ा हिंदी में लिख सकते हैं बाईकास्टिड वाल ऐसे लिख सकते हो, बट इसकी कोई स्पेशल हिंदी नहीं होती। साइंस में ज्यादातर की इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश पल्ली नहीं पड़ती, ठीक है। तो बाईकास्टिड वाल हो गया ये, यानी कि दो दरवाजे हैं, बाईकास्टिड वाल उन्हें कहते हैं, ठीक। चलो बढ़िया, आप देखिए, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल की बात करें, राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल की अगर बात करें तो उसके बीच में जो वाल होती है, वाल में तीन दरवाजे होते हैं, इसमें दो दरवाजे होते हैं, इसमें तीन दरवाजे होते हैं। बताओ भैया, 1 2 3, ये बताओ, मैंने अभी केमिस्ट्री जो पढ़ाई थी तो 3 को क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं, डाई कहते हैं, ट्राई कहते हैं, ट्राई ट्राई कहते हैं, तो ये तो वाल्व हो गया, ठीक है। वाल्व, कास्पिड वाल्व इनका नाम है, इनका नाम कास्पिड वाल्व है, इनका नाम, सबका नाम कास्पिड वाल्व। अब कितने हैं उसको, उस संख्या को हम लगाकर उसका नाम लिख देंगे, जैसे वाल्व हो गया, ठीक है। तो ये बाई, बाई बोले तो दो, तो बाई कास्पिड वाल्व, यानी ये कास्पिड वाल्व है, ये कास्पिड वाल्व है, तो इसमें तीन है ना, तीन क्या बोलेंगे बताओ, ट्राई ट्राई कास्पिड, ट्राई कास्पिड वाल्व कहेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई ट्राई कास्पिड वाल्व, ठीक है। चल रहा है बढ़िया।